के साथ आप सभी को मेरी ओर से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन हम लोग सरस्वती माता का पूजन करते हैं ताकि उनको सुख समृद्धि दे और विद्या दे। मैं ये बोलता हूँ ना कि जिंदगी में मतलब क्या है कि इंसान ने 3 फैक्ट्री जो लगानी चाहिए। थोड़ा वैसे मतलब मोटिवेशनल वीडियो की ओर आ गया ब्लॉग की ओर से, लेकिन मतलब एक बात बहुत उनसे मन में कहने के लिए थी। जिंदगी में इंसान ने 3 फैक्ट्री जो लगानी चाहिए, एक दिमाग में होती है कूल फैक्ट्री, और आपकी जबान में होती है शुगर फैक्ट्री, और आपके गले में कौन सी फैक्ट्री, और आपके दिल में कौन सी फैक्ट्री, लव फैक्ट्री। तो ये 3 फैक्ट्री हर इंसान की कामयाबी की सीढ़ी होती है। यानी आप दिमाग को ठंडा करें अपने, और जबान में मतलब मिठास का मतलब हमेशा मीठे शब्द बोले, और दिल में मतलब लव फैक्ट्री मतलब कि हमेशा दिल में सबके लिए बराबर प्यार आपके मतलब होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप हमेशा के लिए हमेशा कामयाब होंगे। तो सरस्वती माता से मेरी ये मतलब विनती है और ये आग्रह है कि आप सभी लोग को सुख समृद्धि करें। तो आज का ऐसा क्या है कि प्लान पहले मैंने सोचा कि आज बसंत पंचमी है तो इसलिए माँ सरस्वती को याद किया जाए। अभी हारमोनियम भी मेरी माँ सरस्वती है, थोड़ा बहुत मैं मम्मी के साथ साथ सीख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ज्ञान धीरे धीरे मम्मी के साथ साथ मेरे को भी आ रहा है, क्योंकि उनको भी सिखाना है और मेरे को भी साथ साथ में सीखना है। क्योंकि जब वो कभी भजन गाए तो मेरा मोटिव है कि उनके पीछे बैठ के ये कैसे बजा के मतलब उनके भजन के साथ अपनी थोड़ी रिदम मिला लूं। तो आज है बसंत पंचमी, निहारिका ने मनाया है सुबह 5 बजे से उठी हुई है, देखो उसने क्या क्या मनाया रसोई में। और साथ में देखते हैं आज का मौसम बाहर का, क्योंकि क्या है कि कल पहाड़ों में बहुत ज्यादा बर्फबारी भी है, तो उस बर्फबारी की वजह से बाहर का मौसम में भी बहुत ज्यादा खराब हो। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन धूप रहने के बाद पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर देखिए शहरों में कैसे पड़ता है। अभी पहाड़ों में हुई है बर्फबारी, तो जितना फॉग है वो बैठ गया है जमीन में नीचे, तो कल से है काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम, मतलब इतना ठंडा हो गया है, बिल्कुल कोहरा बहुत हो गया है घना। हमको उम्मीद नहीं थी यहाँ तक कि ऐसा होगा मौसम, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से धूप बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी बहुत हुई तो उसकी वजह से यहाँ भी मतलब इफेक्ट पड़ा। कल तक बर्फीली हवा भी चल रही थी, वैसे भी ठंडा हो रहा था, लेकिन आज तो लगा है पूरा कोहरा जो है काफ़ी मतलब घना कोहरा लगा हुआ है। मौसम में तो इस मौसम में सबसे पहले मैंने अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा मिस किया, और मैं उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ा जो व्हाट्सएप के स्टेटस में और ऐसे करके बर्फबारी की फ़ोटो लगा रहे थे। चिढ़ना जायज़ है, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं बर्फ़ को नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब से लखनऊ में आया हूँ तो तब से अगर हम उधर को जाएंगे प्लान बना के कि बर्फ़ गिरेगी तो हम लोग जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या धोखा हो जाता है कि जो जाते हैं और बर्फ़ उस दिन ही गिरती लगता है वापस आ गए तो फिर उसके बाद बर्फ़ गिरी। तो ये वाले धोखे में कितनी बार बर्फ़ मिस आती, तो मैं इसलिए मैंने धोखा प्लान किया नहीं जाने का। अभी बर्फबारी बहुत अच्छी हुई है पहाड़ों, मतलब लबालब हुए हैं इस बार तो। नैनीताल में भी बहुत अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, मतलब ऐसा मैं देखा था वीडियो में, और मेरे होम टाउन में भी बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है। तो ये क्या है, शुभ संकेत भी है आने वाले टाइम मौसम के लिए भी, कि मतलब बर्फबारी ज़्यादा होगी तो बहुत देर तक बर्फ़ हिमालय में टिकी रहेगी, तो नदियों में पानी का जो होगा स्तर होगा वो भी बिल्कुल सही रहेगा। तो इस बार देखिए, इस बार मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, ये जो हेल्पफुल है निहारिका और मम्मी दोनों के लिए, साथ साथ में कुछ मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके अंदर आखिर है क्या। तो नाइफ से काट लेता हूँ मैं, अंदर क्या है इसके अंदर है। देखिए एक ट्राईपॉड आपको दिख रहा होगा, ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। ट्राईपॉड के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खोलते हैं। और इसके साथ है एक ये रिंग लाइट। तो ये रिंग लाइट एक्चुअली ये मम्मी और निहारिका के लिए काफ़ी ज़रूरी होगी थी, क्योंकि
एक उजाला चाहिए होता है वीडियो बनाने में, जब घर के अंदर बनाते हैं तो वहाँ पर होता नहीं है, तो ये रिंग लाइट से खोल के देखते हैं इसके अंदर रिंग लाइट में क्या क्या है। तो देखिए ये है हमारे पास इसकी एक रिंग लाइट, साथ साथ में एक ये दिया हुआ है और एक ये मोबाइल होल्डर है इसके अंदर, जैसे हम यहाँ पर लगाएंगे तो मोबाइल होल्डर फिक्स हो जाए। यानी कितने बजे उठी थी सुबह? 5 बजे से उठ के काम कर रही है और रात के 3 बजे से मेरे को बार बार टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया कि रात भर मेरे को सुने नहीं दिया है इस लड़की ने। तो देखिए निहारिका ने बसंत पंचमी पंचमी के उपलक्ष्य में बना दिया है सुबह सुबह इतना सारा खाना। ये आपके रसोई मैंने ये होते हैं पुए, ऐसे बनाई है निहारिका ने खीर, यहाँ बनाई है पूरी, साथ में बनाई है सब्जी। तो इतनी सारी चीजें निहारिका ने सुबह सुबह बना दी है। देखो जैसे मतलब हरेला होता है वैसे ही क्या बोलते हैं बसंत पंचमी भी वैसी होती है, जैसे चूड़े होते हैं भैया दूज होता है वैसे ही, जैसे हरेला में क्या बोलते हैं इसमें जौ देखिए ये मम्मी ने गमले में लगाए थे, ये बच रहा अभी 3 साल गंगा जमुना के पानी तक अमर रहना बोल रही है मम्मी, निहारिका का आशीर्वाद दे रही है। केला कितने रुपए दर्जन बताया बताओ बताओ? 50 रुपए। और संतरा 100 रुपए किलो। देखो ये अकेला बच्चा इतनी बड़ी ठेली संभाल रहा है, हमने इसे खरीदे हैं फल कुछ। निहारिका और मेरा क्या है ना रूटीन है, सैटरडे को हमारा है सब्जी डे, मतलब सब्जी डे सैटरडे को हम लोग सब्जी खरीदते हैं। यहाँ पीछे पूरी मंडी है सफेदाबाद की, तो यहाँ पर सब्जी क्या है कि मार्केट का उसे थोड़े रीजनेबल प्राइस पे एक बार में पूरे हफ्ते की सब्जी खरीदते हैं हम लोग। देखो ये पूरा देख रहे हो आप, कट्टे पूरे के पूरे हमने सब्जी खरीदे थे, 5 किलो चावल, 5 चावल जो है 5 किलो आलू ले लिए, 5 किलो जैसे प्याज ले लिया, 2-3 किलो टमाटर ले लिए, 2-3 किलो मटर ले लिए, ऐसे हम लोग पूरा हफ्ते भर का एक बार में सारा सामान लेते हैं। तो ऐसे क्या सब्जी सस्ती मिलती है और यहाँ ताज़ी सब्जी मिलती है, तो यहाँ आते हैं। तो अभी हम जो ठेले पे अभी ये वीडियो दिखा रहा था ना आपको बच्चे वाला, वो ठेले पे है, वो बच्चा देखो उतनी ठंड में अभी भी ठेले पे बैठा हुआ है बेचारा अकेले, और मतलब बहुत मासूम सा है अभी से, मतलब क्या है पूरी दुकान अकेले संभाल कर, मे बी उसके पापा दुकान देखते हों अभी घर चले गए हों या कुछ हो, तो मतलब वो अकेला पूरा तो सबका मालूम है हिसाब किताब पूरा, और पैसे भी फटाक से, हाँ पैसे के बिल्कुल एकदम से हिसाब किताब में बिल्कुल तेज, और मतलब बहुत मेहनत से इतनी ठंड में बहुत बाहर बहुत मौसम बहुत काफ़ी ठंडा है क्योंकि हवा बहुत चली है तेज, उसमें वो मतलब इतनी ठंड में बैठ कर रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो उसे सामान लेते हैं, इसी से सामान लिया जाए क्योंकि बहुत सारे फल वाले थे, उन्होंने कहा था छोटा बच्चा है तो उससे सामान ले लेते हैं, तो उसके यहाँ कुछ खुले पैसे नहीं थे, तो हम लोग ने उसे बोला कि भैया चलो 5 रुपये मतलब हाँ हाँ हाँ, तो 5 रुपये क्या हुआ कि उसके मतलब हमने उससे सामान खरीदा तो 5 रुपये उसकी ओर बचे थे, तो हमने उसे कहा नहीं रहने दो, तो क्या हुआ कि कहीं और से जाके दुकान से जाके तुरंत 5 रुपये लेके आ गया, मतलब पूरा ईमानदारी के साथ कुछ ना बच्चे अभी भी ऐसा, तो देखो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस बॉक्स के अंदर आपने देखा था कि रिंग लाइट मैंने मंगाई थी, थोड़ा निहारिका और मम्मी को ब्लॉग बनाने में मतलब ना घर के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होती क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू था, और लाइट का इशू तो खैर मेरे साथ भी बहुत बार हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या है कि थोड़ा बाहर भी जाते हैं तो उसमें थोड़ा लाइट अच्छी मिल जाती है, लेकिन ये लोग का ऐसा है ना चैनल ऐसा है मम्मी का बैठ के भंगाना, निहारिका को रसोई के लिए खाना बनाना है, तो इन लोग के थोड़ा मतलब जैसे कभी रात के अंधेरे में अगर इनको बनाना पड़े मतलब जब लाइट का उजाला कम होता है तो ये CFR उतनी ज़्यादा रोशनी देती, तो उसके लिए मैंने मंगाई थी ये रिंग लाइट, तो इसके देखते हैं रोशनी कैसी है एक बार पहले। तो ये कुछ ऐसा इसका उजाला है, अभी मैंने लाइट जलाई हुई है, थोड़ा एक बार लाइट बुझा के देखते हैं। तो लाइट बुझाने के बाद देखिए आप ये रिंग लाइट ना बहुत अच्छा मतलब इसका उजाला वाला, साथ में 3-4 मोड हैं अलग अलग कलर, मतलब ये है अभी जैसे अगर मेरे को ऐसा करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मेरे को यूँ करना है ये कलर तो मैं कर सकता हूँ, मतलब 3 कलर इसमें है, 3 कलर इसमें हैं, ऐसे करके चेंज हो सकते हैं। तो 3 कलर के आपसे बिल्कुल फेस के आगे यूँ अगर लगा देंगे तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ ब्लॉग बना के। तो इसी लाइट में मैं ट्राई कर रहा हूँ मम्मी का एक बार वीडियो के, मम्मी मम्मी बोलो एक बार ऐसे ऐसे बोला, हाँ तो ऐसी तो बोलोगी या कैसे बोलोगी, हम ट्राई कर रहे हैं ना इस लाइट का ट्राई कर रहे हैं, हाँ अभी वीडियो आपका आपके मोबाइल उसके लिए वीडियो नहीं बना रहे, ऐसे बोल। हेलो दोस्तों,
सबको आज बसंत पंचमी है, सबको बधाई हो। और मैं मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, मैं हूँ सरोज उपाध्याय। मेरे आपका चैनल का नाम क्या है बताओ? मेरे चैनल का नाम है सरोज उपाध्याय कुमाऊनी कल्चर सिंगर। सिंगर ये मम्मी का चैनल है, तो हम लोग मम्मी की एक वीडियो का ट्राई कर रहे थे, मतलब अगर मम्मी यहाँ पर बैठेगी और मैं ये लाइट लगाऊंगा तो मम्मी के चेहरे पे, वो एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा लाइट थोड़ी कम हो जाती तो वीडियो सही नहीं आता, इसमें बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ आप कहते हैं ट्राई निहारिका कर लिए हम लोग। हाँ निहारिका जी बोलिए, आज क्या क्या बनाया तुमने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ये बताओ? आज बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे कि पुआ बनाए, बड़े बनाए और पूरी सब्जी, खीर, ये सब बनाए। बोलो फिर चैनल का नाम बताओ। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल, बोलो एक बार देख लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं निहारिका, स्वागत है सभी का मेरे आप क्या आपकी रसोई में। आपकी रसोई हम भी भूल जा रहे हैं लाइव के सामने। पापा का वीडियो अंधेरा आ रहा हूँ, तो कैसा लगा पापा आपको लाइट देख के? बहुत बढ़िया लगा। पापा पापा फोटो खींचे थे, हमें क्या कर रहे थे हमने ये लाइट लाई, ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि ये लाइट दिखाने के लिए फोटो खींचे, तो पापा कह रहे अरे पापा बोले अरे अंधेरा बहुत रहा है, पापा ने सारी लाइट जला दी। हमने कहा अरे यार हमने थंबनेल खींचने के लिए फोटो खींची थी तो हमने लाइट को जला दी। पापा कह रहे अच्छा इस लाइट को दिखाने के लिए फोटो खींची हुई है। पापा ने रिटेक कितने लिए हैं? पापा ने 20 बार फोटो खींची हुई है, 4 बार धुंधली, कितनी बार धुंधली आई है? 4 बार धुंधली आई है। और इधर को देखो अपना चेहरा इधर दिखाओ ना, ये पापा का देखो चेहरा को चमकने लग गया लाइट पर आते ही। ओह पापा ने इतने रिटेक लिए फोटो खींचने के लिए। पापा को और की अपनी वो क्या सुनने सुनने थे आप? कवि सम्मेलन न्यूज में, वो खत्म हो गया था, पापा आए वरना बाहर निकलते नहीं पापा। तो मैंने इसको ना अभी जो लगाया हुआ है, हमने लगाया हुआ है इसको पावर बैंक, यानी पावर बैंक से जाता है। और आप देख रहे ना हाइट इसकी, तो इसकी हाइट पूरी 6 फीट चले जाती है इस लाइट की, पूरी 6 फीट तक आ गई है। मैंने करीब ये 4 या 4.5 फीट रखी हुई है, अगर कोई बंदा बड़ा है किस हाइट पे है तो 4 फीट 6 फीट। देखिए अभी आप कितना ज़्यादा इसका उजाला है ना, बिल्कुल सूरज के गोले की तरह। बीच में ये मोबाइल होल्डर है, तो देखते देखते पता नहीं चला कि हमारी फैमिली कब यूट्यूबर बनेगी। मम्मी और मैं पहले से थे, बाद में निहारिका को भी शौक था आप मतलब खाना बनाने का, तो हमने चलो उसके शौक को तब्दील कर दिया यूट्यूब पे। तो ऐसा होता है कि थोड़ा आदमी फिर रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाता है, और मेरे को भी थोड़ा अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल जाता है उसको थोड़ा चार चढ़ा के ऊपर कि खाना अच्छा होना है, अच्छा होना है। तो ऐसा होगा कि किसी का चैनल चलेगा तो ठीक है, उसका अपना एक अलग से बिजनेस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मतलब फैमिली बन गई पूरी की पूरी यूट्यूबर। तो आज का दिन का शेड्यूल ऐसा ही कुछ था। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली ऐप पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।